Students, this is your first teacher Mohammed Kashmanis, and in this video, beta, we are going to solve the MCQs of 2019 NAD Physics. If force is exerted on stages such that the volume is reduced to half, then the temperature of the container will. देखें जब भी हम compress करते हैं तो temperature increase हो जाता है. इसने velocity निकालनी है point इस वजह से यहाँ तक चला गया और time difference इतना आया तो कुछ भी नहीं करें. Velocity है change in distance जो कि x के बराबर है upon change in time. तो आपको सिर्फ क्या करना है x2 minus x1 upon t2 minus t1 बस. इन इलास्टिक कोलिजन में से मोमेंटम कंजर्व होता है. हार्मोनिक वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो अगर मैं मीन पोजीशन पे चले जाऊँ तो इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा और फिर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो सिर्फ इससे निकलेगी मेरे पास. ठीक है जी. एक बॉडी इसको टेबल पर रखा और उसको 2 मीटर्स की हाइट पर ही डिस्प्लेस किया. डिस्प्लेस करने का मतलब ये टेबल है 2 मीटर्स का और बॉक्स को इसी पर डिस्प्लेस कर रहा था. देखिए इसकी हाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जीरो रहेगी. इफ़ अ वेक्टर इज डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये आपको देता है आपका यूनिट वेक्टर. स्टूडेंट डेफिनेशन है. तो फोर्स लगी इतनी इतनी डिग्री पे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना, वाई कॉम्पोनेंट निकालने के लिए आप सिर्फ अप्लाई करते हैं एफ साइन थीटा, बस खत्म. ठीक है. लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द डायमेंशन ऑफ वर्क इज सिमिलर एज, तो हम सिंपल सी बात करते हैं, वर्क की डायमेंशन सिमिलर होती है टॉर्क से, क्योंकि टॉर्क का यूनिट भले न्यूटन मीटर हो उसको हम जूल्स ना कह सकें इसके वेक्टर होने की वजह से, लेकिन फिर भी इसकी जो डायमेंशन होती हैं बिल्कुल सिमिलर होती हैं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन पैराबोलिक पाथ इट हैज कॉन्स्टेंट, पैराबोलिक पाथ पे प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है वो कॉन्स्टेंट होती है. किसी प्रोजेक्टाइल की ऐसी बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इज डबल, देन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम विल, तो काइनेटिक एनर्जी पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो तो ये होगा. इसको डबल करूंगा तो ये 4 टाइम्स जाएगा, लेकिन मोमेंटम पे तो पावर ली नहीं आ रहा है तो उसको डबल करने पर इसे डबल ही होगा, तो ये 4 और 2 वाला आंसर जो आ जाएगा. हाउ कैन 3 कैपेसिटर ऑफ दिस कैन बी अरेंज टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6? तो देखिए सिंपल है, इनको आप सबको पैरेलल में लगा दें, क्योंकि पैरेलल में जब कैपेसिटर्स लगते हैं तो इनकी इक्विवेलेंट ऐड करके निकलती है और 2 + 2 + 2 6 आ जाएगा आपके पास. ठीक है जी. ऑल इन पैरल मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वही वाला होता है, याद कर लीजिए. जी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर विल बी 0. अब तो याद हो गया होगा, आप पूरी सीरीज देखते हुए आ रहे हैं मेरे पास पेपर्स की. तो इसमें देखें v इज इक्वल टू एफ लैमडा होता है, लेकिन f को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ लैमडा अपॉन 1/t. ठीक है जी. द फिनोमेन ऑफ इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन कौन सी थ्योरी प्रूफ करता है? वेव थ्योरी प्रूफ करता है. ठीक है स्टूडेंट्स. एंट्रोपी हमेशा सिस्टम की जो है वो इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है. In which thermodynamic process there is no work, तो isochoric process में किसी किस्म का work नहीं होता. अब अगर हम इसकी बात करें तो temperature of a substance changes from -20 to 20, what will be the change on Kelvin scale? कुछ भी ना करें, इसको difference ले रहे हैं 20 - -20, तो ये 40 हो जाएगा. Kelvin में difference same होता है ना, क्योंकि दोनों 100 के होते हैं difference के. Coulomb scale resembles with Newton's law of ग्रेविटेशन के, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ मास और चार्ज का फर्क है. इफ़ द टेंशन द स्ट्रिंग इज मेड 4 टाइम्स द वेलोसिटी विल बी, तो ये टेंशन द स्ट्रिंग का सवाल नहीं है बल्कि ये सवाल है सोनोमीटर का, इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता था. तो अगर मैं इसको 4 टाइम्स को दूँ तो 4√2 कर देगा. अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, मैं आपको बताया था. इन तीनों को पहले पैरेलल में सॉल्व करेंगे, फिर इसको सीरीज में कर देंगे. ठीक है जी. फिर इन दोनों को सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे और फिर सीरीज में करेंगे, तो पूरा सॉल्व होकर आपको आंसर दे देगा. यहाँ पे करंट आपको गिवन दे दिया गया है, आपको सिर्फ इनका इक्विवेलेंट निकालना है, बल्कि सॉरी ये करंट गिवन है, इन तीनों को पैरेलल में करना है सीरीज और फिर पैरेलल. तो यानी कि सर्किट कुछ यूँ दिखेगा, इसमें इन ये इक्विवेलेंट होगा इन तीनों का, फिर तो उसके बाद ये इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का, और फिर ये सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा. फिर आपको दोबारा इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये इस तरह से यू बन जाएगा. फिर आप एक इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, करंट आपको पता है तो आप वी इज इक्वल टू आई आर लगा के वोल्टेज निकाल सकते हैं. पिक्चर क्लियर नहीं है इसमें, सॉल्व करना मुश्किल है. द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर. एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, डैश इज द फ्रेम, अगर इसकी जीरो हो तो इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम. वेबर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, यार वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं तो हम उसको बराबर कहते हैं टेस्ला के स्टूडेंट. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच.